आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 12वां मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में, यानी कल दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कल के मैच की, बताएंगे आपको मैच इन्फो, पिच रिपोर्ट और क्या टीम न्यूज़ रहेगी, क्या प्लेइंग 11 रहेगी दोनों ही टीम्स की, और हमारी प्रेडिक्टेड ड्रीम 11 कौन सी होगी, और कुछ ड्रीम 11 टिप्स ताकि आप बेहतर अमाउंट विन कर सके ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट में या किसी और फैंटेसी क्रिकेट वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, एंड में मैं आपको एक मैच का प्रेडिक्शन भी दूंगा जो कि बहुत ही अच्छा काम आता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़, अगर आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो आपको स्क्रीन पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, ओरिजिनल चैनल पर ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का जो पेज हमारा उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल ज्वाइन करना, फेक मत ज्वाइन करना। 63,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं टेलीग्राम पर ओरिजिनल चैनल पर, इंस्टाग्राम पर 26,000 लोग जुड़े हैं ओरिजिनल इंस्टाग्राम पर, और ट्विटर पर भी 14,000-15,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो फेक लोगों से दूर रहो, ओरिजिनल ज्वाइन करो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं 6-8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ। तो अगर आप 6-8 मिनट की वीडियो में अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन 6-8 मिनट में मैं वो चीज़ें बता देता हूँ कि आप बिलीव नहीं कर सकते क्या बताता हूँ। आप इसी वीडियो में देखना और समझना मैं क्या बताता हूँ। चलिए पिच की रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यार जी, ये जो पिच है ना, ये पिच है एक न्यूट्रल विकेट, जहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो है 240 से 250 के आसपास का, बट एक अच्छी बैटिंग विकेट है, यहाँ पर रन अच्छे बन रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। और एक बात बता दूँ खास बात, कि इस ग्राउंड की, पिच की नहीं मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, इस ग्राउंड की जो स्टेट की जो सामने की जो बाउंड्रीज हैं ये बहुत छोटी हैं, तो यहाँ पर जॉस बटलर और जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स को बहुत ही हेल्प होगी रन बनाने में। तो ये चीज़ें आप नोट किया करो जो मैं बोलता हूँ, पूरी वीडियो देखोगे हर चीज़ समझ जाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम न्यूज़ की। तो दोनों टीम से क्या न्यूज़ आ रही है, थोड़ा गर्मी लग रही है, पंखा चालू नहीं कर सकता, बैकग्राउंड नॉइस आएगी, पर ठीक है कंट्रोल कर रहा हूँ। तो टीम न्यूज़ यही आ रही है इंग्लैंड टीम से कि लियाम प्लंकेट शायद कल का मैच खेलेंगे, और अगर वो खेलते हैं आदिल राशिद की जगह पर वो खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिच भी स्पिन फ्रेंडली नहीं है। तो दो स्पिनर, एक स्पिनर उनके पास ऑलरेडी ऑफ ब्रेक बॉलर है और उसका नाम है मोइन अली, और सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा हैं, तो मोइन अली एक काम कर देंगे, जैसे कि सौम्य सरकार हो गए, तमीम इकबाल हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, ऐसे प्लेयर, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं बांग्लादेश की टीम में, उनकी प्लेइंग 11 सेम रहनी चाहिए। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 यहाँ पर होने वाली है इंग्लैंड तरफ से जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, जो रूट और यॉन मॉर्गन, फिर बेन स्टोक्स, जॉस बटलर ऊपर भी आ सकते हैं बैटिंग में, ठीक है, फिर मोइन अली, उसके बाद क्रिस वोक्स, फिर जोफ्रा आर्चर, लियाम प्लंकेट या आदिल राशिद में से कोई एक, और उसके बाद मार्क वुड। अब बात कर लेते हैं अगर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की। तो बांग्लादेश की तरफ से खेलेंगे सौम्य सरकार, तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन, मुशफिकर रहीम, महमूदुल्ला, और उसके बाद मुसद्दिक हुसैन, मोहम्मद मिथुन, मुसद्दिक हुसैन, और फिर मोहम्मद सैफुद्दीन, फिर मेहडी हसन, मिराज, मोशरफे मुर्तजा, और फिर सफीजुर्रहमान। तो ये प्लेइंग 11 होगी बांग्लादेश की, अच्छा है। और यार एक चीज़ बता दूँ, बांग्लादेश की टीम को ना कभी हल्के में मत लेना, किसी भी टीम को हरा सकती है, ऐसी टीम है, किसी भी टीम को हरा सकती है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है, किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी, मुझे भी, इंडिया को भी, तो इंग्लैंड की बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 प्रेडिक्टेड टीम की। तो आप लोग को स्क्रीन पर एक ड्रीम 11 टीम दिख रही होगी, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में आपको ड्रीम 11 की टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगी ग्रैंड लीग विन करने में। तो अभी फिलहाल टीम की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रीम 11 में अपने लिया 2 विकेट कीपर को, एक हो गए जॉनी बेस्टो, दूसरे हो गए मुशफिकर रहीम। आप चाहो जॉस बटलर को भी ले सकते हो, क्यों और कब, तब जब इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो आप जॉस बटलर को अपनी टीम में ले सकते हो, इवन स्मॉल लीग में ले सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर बैट्समैन की बात करें, मैंने तमीम इकबाल को लिया है, सौम्य सरकार को लिया है, जो रूट को लिया है, जैसन रॉय को लिया है। मैंने तमीम इकबाल को आज के मैच में क्यों लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तमीम इकबाल मारेगा आज, और जैसे रॉस टेलर ने विन कराया, जैसे स्टीव स्मिथ ने विन कराया, उसी तरह से मुझे लग रहा है तमीम इकबाल भी आज स्कोर करेगा, मारेगा, तो मैंने सो लिया है। मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर इंग्लैंड टीम अगर पहले बैटिंग करती है, अगर मेरे मन में आया तो मैं तमीम इकबाल की जगह पे यॉन मॉर्गन को भी ले सकता हूँ। ये मेरे ऊपर, मैं क्या करता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, वो टॉस के बाद डिसाइड होगा। तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर जाकर के जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब इसके बाद बैटिंग में तो बात होगी, अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर मैंने यहाँ पर लिया है शाकिब अल हसन को और बेन स्टोक को। आप अगर
आप अगर चाहो, मैंने शो बोल रहा था, मैं गलत मत समझना, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप किसी और को भी पिक कर सकते हो, जैसे मोइनली हो गए, भी अच्छे ऑप्शन है, आप पिक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे बॉलर्स की, तो मैंने यहाँ पर मार्क वुड को लिया है, जोफ्रा आर्चर को लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मुस्तफिजुर रहमान को। मैं एक काम कर सकता हूँ चेंजेस, अगर बांग्लादेश की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर मैं यहाँ पर सैफुद्दीन को ले लूँगा, और मार्क वुड की जगह पर क्रिस बोक्स को ले लूँगा, अगर क्रिस बोक्स पक्का खेलते हैं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। बाकी अभी तो ये फाइनल नहीं, फाइनल के लिए आप जानते हो आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर फॉलो करना है। तो ये हमारी हो गई अभी ये ड्रीम इलेवन टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यार कैप्टन ना मैं यहाँ पर शाकिब अल हसन को या फिर जोरूर में से किसी एक को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन मैं बेन स्टोक या फिर जॉनी बेस्टो में से किसी एक को बनाऊंगा। तो ये अब मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग अपना देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, बात कर लेना, और टीम मैनेजमेंट से बढ़िया करके पैसा विन कर लेना, और फिर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग टिप्स की। तो यार ग्रैंड लीग में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तमीम इकबाल, ठीक है, और जॉनी बेस्टो ज़रूर ट्राई करो, एटलीस्ट दो या तीन टीमें ट्राई करो, और जिसमें भी प्लेयर को ट्राई करो, जो रूट हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, बेन स्टोक हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, ये चार ऐसे ऑप्शन जिनको आप वाइस कैप्टन कैप्टन भी कर सकते हो साथ में कॉम्बिनेशन बनाने में, तो ऐसा कर लेना। और मेरे ख्याल से तो जॉनी बेस्टो कल अच्छा होगा ग्रैंड लीग, मैं कल खेलूंगा ग्रैंड लीग, बहुत दिनों बाद में वर्ल्ड कप में शायद पहला मैच होगा जिसमें मैं ग्रैंड लीग खेलूंगा, लेकिन मुझे लगा मैं शायद कल खेलूंगा और अच्छी रैंक ले आऊंगा, तो अच्छी बात है। मैं अपनी विनिंग्स नहीं दिखाता कभी, क्योंकि मैं अब मज़ा नहीं रहेगा विनिंग्स दिखाने में, वर्ल्ड कप के बाद में दिखाऊंगा विनिंग, बहुत तगड़े तगड़े। तो चलो होगी बात, ड्रीम इलेवन टिप्स की बात हो गई, अब बात हो गई अब करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। तो यार मैच प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है इंग्लैंड ही ये मैच जीतेगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही आप लोग खुशखबरी दे दो, वीडियो को इतना शेयर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, आज ही 1,00,000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवा दो, ताकि मैं एक बड़ी वीडियो डाल सकूं आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना है जो कि आपको नहीं आपकी फैमिली को हेल्प करेगा, पूरी सोसाइटी पे इसका इफेक्ट जाएगा, मैं ऐसा कुछ बड़ा फैसला लेने वाला हूं, और आज तक फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो मैं करने जा रहा हूं, और बहुत ही बड़ी चीज़ है यार। मैं अगर इस लेवल पे आ गया हूं इसका, तो उसके जो क्रेडिट वो आप लोग को ही जाता है, तो मैं ऐसी चीज़ करने वाला हूं। तो बस थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भूल कर भी मत भूलना ये चीज़। तो बाय, लव यू ऑल, और ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, शायद कल, और फिर सेलिब्रेट करते हैं 100K सब्सक्राइबर्स। बाय, लव यू ऑल।